5,000 ईदी दे दी, बदमाशी कर रहा हूं। 5 नहीं 7,500, 7,500 रुपए दिए। मैं पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर रहेंगे, 5,000 बनते हैं, हक ईमान से बताइएगा। नहीं नहीं, 5 बस अब निकाले अंकल को मिला, अब निकालो, अब निकालो, न्यूट्रल बन दे, न्यूट्रल बन रहा है। ये लो 10,000 हो गए। एक और दे दो, मैं जा रहा हूं, एक और दे दो। दे यार, दफा छीन लिया। 17,500 रुपए ईदी लेके जा रहा है। चलो ना व्लॉग स्टार्ट करो यार। नहीं यार, मैं व्लॉग ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा भाई, आज ईद का दिन है, मुझे इन लोगों से ईदी चाहिए यार। अबे तो देंगे ना, तेरी ऑडियंस ये इतना प्यार करती है, है? आना दो ना यार। भाई नीचे अकाउंट नंबर आ रहे, फटाफट आपके भाई को ईदी सेंड करो, और जिसने सबसे ज्यादा ईदी सेंड की आपका भाई उससे मिलेगा और उसको गिफ्ट भी देगा। नहीं करो यार भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट कर दो। चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सही आ रहा हूँ, स्टार्ट हो गई वीडियो। अरे अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, कैसे आप लोग भाई? आप सबको सबसे पहले तो मिशकात भाई की जानिब से बहुत 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 ज्यादा ईद मुबारक। प्लान ये किया था कि सारे के सारे लड़के फजर में आ जाएंगे और साथ ईद पढ़ने जाएंगे, लेकिन आपको पता है सारे लड़के मेरे निकम में, उसामा सोया पड़ा हुआ है, हमजा तो कॉल ही नहीं उठा रहा और बिलाल पता नहीं कहाँ पे गायब है। तो भाई टाइम निश्ता पिश्ता पिश्ता पिश्ता, फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं ईद पढ़ने। और ईद की नमाज आपको पता है मेरे वालिद साहब ही पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से इमाम मस्जिद हैं। और ईद की नमाज का आज मंजर आपको दिखाता हूँ कि मेरे वालिद साहब जब ईद की नमाज पढ़ाते हैं और सामने हजारों लोग बैठे होते हैं, तो आपका भाई बहुत प्राउड फील करता है यार, कि मतलब मेरे अब्बू इतनी अच्छी जगह पे बैठ के सबको ईद पढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहा सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, नए नए कपड़ों की खुशबू। यार आप लोग चेक करो यार मिशकात भाई को, मतलब आह क्या, मतलब यार क्या खूबसूरत बंदा है, सुभानअल्लाह यार, मतलब बंदा देखता रहे, देख देख के थकता नहीं है बंदा यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लेकिन यार आपके भाई को फिर भी हरी आंखों वाली नहीं मिलती यार। खैर एक काम करता हूँ, ईद की नमाज में दुआ करता हूँ, अल्लाह करे मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप लोग भी कमेंट में लाजमी माशाल्लाह बोल दो, अगर आप लोगों को मिशकात भाई अच्छे लग रहे हैं तो लाजमी नीचे कमेंट में माशाल्लाह बोल दो फटाफट। आहा यार ईद के दिन की ना रौनक ही अलग होती है, और आपके भाई को ना तैयार होने के बाद दुल्हा दुल्हा वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत जल्द शादी होने वाली है, समझ रहे हो? अरे आंखों वाली। ईद की नमाज में बहुत सारी सुन्नतें होती हैं, मसलन नहाना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, लेकिन आपके भाई को जो सबसे ज़्यादा सुन्नत याद रहती है ना, मतलब जो मतलब की सुन्नत है, वो है मीठा खाना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइटम वाइटम है, दूध दुलारी है, ये रसमलाई है, ये खीर है, तो मतलब आज जो मीठा खाने वाली सुन्नत है ना सही से पूरी होगी। चलो भाई अम्मा के हाथ से सुन्नत पूरी करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध दुलारी, ये हो गई क्वार्टर सुन्नत, सही है, और वो रसमलाई खिलाएं। सुन्नत जब पूरी कर रहे हैं सही से कर रहे ना यार। आ हाँ रसमलाई, आ हा हा हा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एक खीर, तुम लोग बोलोगे सारी सुन्नत एक साथ पूरी करेगा क्या? और कोई है? रबड़ी, रबड़ी भी है, बस रबड़ी खिलाओ, रबड़ी खिलाओ। चार चार मीठे के आइटम, जिंदगी हो तो ऐसी हो। चलो भाई जाए नमाज उठाते हैं, चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने, फटाफट फटाफट चलो। यार ये उसामा इतनी लंबी कर रहा है ना यार, सारे के सारे लोग तैयार वैयार होके जा रहे हैं, लेकिन आपका भाई खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, नमाज खड़े होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हल्की आवाज़ से पढ़ते हुए जाते रहते हैं, और एक रास्ते से जाते हैं दूसरे से वापस आते हैं, ये भी सुन्नत है। कहाँ पर हो? अबे कहाँ हो तुम, कहाँ हो? पीछे तो देखो, पीछे तो देखो अपने पीछे अंकल। अबे इतनी लंबी कर रहे हो यार, मैं क्या पागल बना रहा हूँ? अबे इतनी लंबी यार, देखो कितने सारे लोग आ गए। आपका भाई पहली सब में नमाज पढ़ने वाला बंदा था, तुम्हारी वजह से आज देखो कहाँ पीछे बैठना पड़ेगा। इमाम साहब के बेटे अभी भरम से खाली करवाते हैं भाई, माशाल्लाह से चेक करो यार, ईद के दिन अलग ही रौनक होती है, सुभान अल्लाह, ये चेक करो सारे के सारे लोग हैं, और वो मेरे अब्बू बैठे हैं माशाल्लाह से वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ा रहे हैं। यार तुम लग रहे हो पीकर आए हो, आंखें लाल लाल हो रही है। चलो भाई जमात खड़ी हो रही है, फटाफट खड़े होते हैं लोग, चादरे वादरे बिछा रहे हैं। तो बताओ ईद की नमाज पढ़ना आती है तुम्हें? हाँ हाँ पढ़ना आती है, बस वो हाथ पद उठाने में बंद हो जाते हैं, छोड़ते और पकड़ते हैं 3-3 दफा, यहाँ बिछा लें। यार आपका भाई पहली सब में नमाज पढ़ने वाला बंदा है, आज इन दोनों की वजह से आपके भाई कहाँ पढ़ रहा है? चप्पलों का ख्याल रखो, नई नई चप्पलें। जी जी आप भी जाए ना, आप आगे क्यों नहीं जा रहे? जाए नमाज मैंने बिछा ली ना अपनी, आ जाओ भाई आगे जाते रहो, जिसकी जाए नमाज नहीं आगे जाएगा फटाफट। अबे तकबीरें शुरू हो गई, फटाफट स्टार्ट करो, चप्पलें आगे रखो, यहाँ चोरी हो जाती। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। माशाल्लाह भाई चेक करें कितने सारे लोग बैठे हैं ईद की नमाज पढ़ रहे हैं,
और सामने जो है ना अब खुद बदर हैं। सुभान अल्लाह यार, क्या मंजर है खूबसूरत। अबे 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 गले मिलना दबा रहा है, क्या कर रहा है यार। ईद की नमाज में कंफ्यूजन ये होती है, कुछ लोग एक मिलते हैं कुछ लोग तीन मिलते हैं। तो आप तीन वाले हो एक वाले हो? मैं एक वाले हो, सही हो। पहले पूछ लेंगे ना एक वाले भाई। अरे आप कौन है? तीन वाले क्या हाल है? ठीक हो? बच्चे बहुत पसंद करने लगे आपको, लड़कियां भी पसंद करते हैं यार। माशाल्लाह ईद की नमाज के बाद ना रौनक ही अलग होती है। चेक करो यार, मतलब कितने सारे लोग हैं, सारे लोग हैं एक दूसरे से। अभी ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, ये क्या है? ओ भाई साहब, ये फड्डे वाले भाई कहाँ से आ गए? क्या हाल है? ठीक हो भाई? एक वाले तीन वाले? तीन वाले। अबे तुम तो पांच मिलो, पांच मिलो। चलो भाई एक और। अबे बस 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 अबे बस, नीचे से कुछ और लग रहा है यार। यहाँ पर काफी रश हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब्बू हैं और अब्बू से लोग ईदी मिल रहे होते हैं। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मुश्किल है थोड़ा भाई। यहाँ पर रश इसके लगा हुआ है, सामने ना अब्बू हैं, उनसे लोग ईदी मिल रहे हैं। वो चेक करो, सबको अब्बा ने पकड़ा हुआ है, बल्कि अब्बा को सबने पकड़ा हुआ है। उल्टा बोल रहा हूँ, तुम्हारे तो अब्बा घर पे मिल लेना, घर पे तो ईदी भी लूंगा ना उनसे। हाँ ना, मेरे को भी दिलवा देना। तो भाई 10 रुपए मिलेंगे, शकल 10 वाली है ना, 5 रुपए मिलेंगे। तुम्हारे अब्बा तो बहुत चमक रहे हैं, लग रहा है रात में सही से फेशियल करवाया है। कुरान का नूर है पूरे, अब महीना तरावी पढ़ाई है ना, उसका नूर है। फेशियल नहीं करवाया? फेशियल नहीं कराते अब्बा, अम्मी ने कर दिया होगा रात में। हो सकता है कर दिया हो। अरबी शेख आए हुए माशाल्लाह, तो कटा रहे हैं आपके। उनको इधर आ, इधर घूम गए, उधर आ, उधर घूम गए। कैसे? अरे अरे अरे, हरी आंखों वाले माशाल्लाह, आंखें चेक कर रहे हो? हरी आंखें यार, दुआ दे दे आपकी आंखों वाली लड़की मिल गई आपके। दुआ देना यार, बीवी बीवी बिल्कुल मिले, दुआ तो करें। बोले ऐसी आंखों पे जूम मारो माशाल्लाह, ऐसी ये दुआ करवाओ कि अल्लाह करे अल्लाह इनको लड़की बना दे और आप शादी करो। नहीं नहीं यार, वो तो मसला हो जाएगा फिर। अबे अंकल फुल अरबी बन के आया है माशाल्लाह से। माशाल्लाह आप अरबी हैं? तकल्लम बिलुगत अरबी है? हरी आंख वाली दे दे। हरी आंख क्यों मांग रहे हो? हरी आंखें प्यारी लगती है ना, हरी आंख में जहर होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जहर होता है? देख लो बेटा, आप बच के रहना अंकल को तकलीफ है। और नीली आंखें? नीली आंखें ठीक है, अच्छा समझा ना, लेकिन हरी आंख मत खोल, हरा जहर, हरा जहर होता है, जहर होता है। अच्छा अच्छा, फंस गया उस जहर में। इसको अब उसने मुझे आंखों में देख देख के फंसा लिया, क्या करूं? हाँ, तो इसीलिए तो जहर है ना उसमें, जहर में वो अट्रैक्शन होती है। और तू उसे अंधा करके शादी कर ले। आपने एक ही शादी की है? नहीं नहीं, एक भी नहीं हुई। 9 बच्चे हैं। ओ माशाल्लाह, 23 नवासे पोते हैं। मजा आया? नहीं करे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बरकत हो तो ऐसी हो। शादियां कितनी की है? शादियां 3 की है। वाह क्या सीन है। जमाने में अरेंज होती थी, इस जमाने में लव होती है। अंकल का बोलने का मकसद ये है, लव मैरिज जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। पसंद से तो करनी चाहिए ना शादी। लव करना तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन लव में जज्बात होता है। आपने भी तो जज्बात, जज्बात में 23 नवासे 8-9 बच्चे कर लिए ना, जज्बात नहीं हुए ना वो? वो तो भाई वो बांग्लादेश में रहते थे, वो मछलियाँ खाते थे। अच्छा, अंकल से दुआ ले लेते हैं क्योंकि अंकल ने माशाल्लाह 3 शादियां की है। एक दुआ कर दे हमारे लिए, अल्लाह ताला हरी आंखों वाली दे दोगे? या अल्लाह सबको अच्छी बीवी नसीब कर, आमीन। या अल्लाह प्यारी भी, बरकत वाली और नेक, प्यारी प्यारी भी, नेक और प्यारी बीवी नसीब, आमीन आमीन। खूबसूरत तरीन हूर लगे। अंकल आपने दुआ की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला कराएगा, अब तो हरी आंखों वाली कराएगा अल्लाह ताला। इसकात भाई, आपको यकीन जाने में कहां से ढूंढता हुआ आया हूं। यकीन जाने मेरे को मस्जिद भी नहीं मिल रही थी। तो गले मिल लिया ना, जा रहे हैं अब जाने। आपने मेरे से तो ईद नहीं मिली ना, ईद तो मिल लो यार। 5 ईदी मिल लिया था भाई, मेरे से नहीं मिलना। अबे है भी कितना नंबर। मनुज घड़ी थी जो इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, और ये मोहब्बत की घड़ी थी। चिपक गया भाई ये तो। चल ना अब निकलते हैं यार, जल्दी निकलते हैं भाई। कहां जा रहे हैं आप अभी? अबे चल भाई, उम्र कितनी है? एक बात है, मेरी उम्र होगी 21-22 साल होगी। अबे बस कर दे यार, क्यों करो, नमाज पढ़ के आ रहे हो अभी? अबे तो 23-24 होगी। तू अपनी हालत देख, मनुष्य आदमी हमसे छोटा। अबे 5 बच्चों का बाप लग रहा है भाई। ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ जिसम और काट का फर्क है, बाकी मैं छोटा हूँ आपसे। नहीं चेक कर लो मेरा भाई, हमें कटने दे, तू काट वाट करता रही हो। छोड़ो अभी ये बताओ, अभी तो मिशन पे आया हूँ मैं अपने। कौन सा मिशन जाना है? कौन सा मिशन? आप कितने साल के हैं? मैं माशाल्लाह अभी अंडे में से निकला 35 साल के माशाल्लाह, 35 साल के ना माशाल्लाह से। तो मैं हूं यार, ये घर वाली बातें नहीं बताया करो। अच्छा, रिश्ते आना बंद हो जाएंगे, खुद अपने रिश्तों की दुआ करवा रहे हो। 20 साल के
20 साल के ना, मैं आपसे छोटा हूँ भाई। मैं 20 साल का हूँ या 18 साल का? लंबी कर रहे हो फजूल की यार। भाई लंबी को छोड़े, ईदी निकाले मुझे नहीं पता, मुझे पागल है तू, ईदी दे मुझे, तू बड़ा है, तू बड़ा है, बड़े हो भाई, मुझे ईदी चाहिए बस। अबे अबे इसको समझा यार, फिर ईद के दिन फड्डा कर लेगा, लोग बोलेंगे ईद के दिन भी फड्डा कर लिया। मैं इस बात पे फड्डा कर लूंगा, मुझे नहीं पता। वो तो मनोज गाड़ी पे गुस्सा आ रहा है जो तुमने पीछा करा था गाड़ी लगने। चल बे चल निकल यार, धक्का नहीं दो, धक्का नहीं दो, मिशकाब पे गलत बात है, धक्का नहीं दो। ईद का दिन है आज, ईदी दोगे आप? अबे चल भाई, किस बात की ईदी? नहीं गलत बात दी, जो गलत बात हो जाएगी ये। आज ईद का दिन है, आप ईदी दोगे, देके जाओगे। अभी अभी बीवी को ईदी नहीं दी, अपने अम्मा को, अपने बहनों को ईदी नहीं दी यार। अभी आप घर गए हो तो घर जा रहा हूं, ईदी देना तो दो। आपको अभी पकड़ लिया, इसी वजह से पकड़ा था कि आप बात में मिलोगे नहीं। दो यार इसको यार, जान छोड़ो। 10-20 वाली तेरी पाकिस्तान के यूट्यूबर हो बड़े नामी ग्रामी। तो तू तो यूट्यूबर नहीं है ना, तू तो टुच्चा है ना। तो भाई मैं बन रहा हूँ ना, कुत्ता बन रहा हूँ, टुच्चा टुच्चा बोल रहे हैं भाई, कानों में लिए हैं उसने, लग रहा है मेरे को। ये ले भाई 500 रुपए ले जा, ये बच्चों को ईदी मिलती है 500 रुपए। अबे बच्चे को दी जाती है, ये कहूं मैं 500 रुपए ईदी दे दिए, 500 रुपए फिर भी चढ़ाई कर रहा है। बनती है आप लोग खुद बताएं, 500 ईदी बनती है इस चगल के ऊपर? 500 बनती है तो कितनी? 50 रुपए बनती है, 50 रुपए भी नहीं बनती ज्यादा। पकड़ ज्यादा फैला दिए, 500 डायरेक्ट दे दिए, फैल गया। मैं क्या से, मेरा तो डेबिट क्रेडिट एटीएम सब ये पकड़ जा, निकल ये आप मेरे से ले लो 50 रुपए ला दे, ये लो मेरे से ले लो 50 रुपए, 100 देता हूँ, चल निकल। मुझे एक मिनट, मैं इसको सबसे अपनी कीमती चीज दे रहा हूँ, रुक जाओ। नसवार दे दे, पकड़ो। 500 रुपए दी दिए, काफी नहीं है मेरे पे? बच्चों को मिल दिए 500 रुपए, 1000 दे कम से कम। नहीं नहीं 1000 बस, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, ये लो 1000 रुपए। 1000 भी नहीं लूंगा भाई मैं, क्या हो गया? ये लो 1000 रुपए, 1000 रुपए दे रहा हूँ, 1000 रुपए नहीं, 1500 रुपए पकड़ ले। अब जा आप अपने पास रख लो भाई, ये इसकी ईदी बन गई। भाई ये कौन, किसने छोड़ दिया मेरे ऊपर इसको? लंबी कर रहा है यार, 1500 रुपए ईदी दे दी। चलो खिजर भाई यहां आया हूं, 1500 रुपए काफी नहीं है? इतना तो मैं बच्चों को दे देता हूं। दो बच्चे को दो, तुम बच्चे को दो। अबे यार ये पकड़ यार, ये लंबी कर रहा है यार, घर वाले वेट कर रहे हैं यार, जल्दी दो ना पैसा अब यार, मेरा दिमाग घूम रहा है अभी। वैसे भी फजूल की बदमाशी, ये ले 5000 रुपए अब सही है, 5000 और दे, और दे। अबे यार 5000 ईदी दे दी, 5000। अबे तो भाई है, आप पाकिस्तान के यूट्यूबर हो बड़े, ये दे रहे हो? अबे ये भी जाएंगे आज नहीं जाएंगे, हाथ में आ गई सही है। और दो, अबे कम है ये, 5000 ईदी दे दी, बदमाशी कर रहा है। 5 नहीं 7500 रुपए दी। मैं पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर रहेंगे, 5000 बनते हैं, हक ईमान से बताइएगा। बस अब दिन निकाले अंकल को मिला, निकालो अब निकालो, न्यूट्रल बंदे, न्यूट्रल बंदा। ये लो 10000 हो गए, नहीं 10 और भाई एक और दे दो, बस बस बस, देखो और एक अंकल ने बोला काफी, अंकल ने बोला काफी, एक और दे दो, मैं जा रहा हूं, एक और दे दो बस। अबे दे यार, दफा छीन लिया, तीन नोट फाइनली ले लिए, क्या भाई 1500 भी दिए थे, कौन से 1500 भी दिए थे ना, कितना हो गए भाई वो रहिया? मैं 15000 रुपए और 1500 रुपए, 17500 रुपए ईदी लेके जा रहा है, 16500 रुपए अजीब बदमाशी है, 16500 रुपए ईदी दी अंकल। अंकल आप दिलवा दें इससे वापस। अंकल एक बात बताएं, ये पाकिस्तान के कितने बड़े यूट्यूबर हैं? अंकल को क्या पता यूट्यूबर के नंबर वन ऐसे दे। अबे बताओ ज्यादती है ना, ये तो यार मैं देख रहा हूँ, मांग कौन रहा है, माशाल्लाह इतने इतने बच्चे होते हैं वो, ये हट्टा कट्टा इतना बड़ा जवान। एक ईमान से बताइएगा बात, ये बड़ा है मेरे से छोटो भी बनती नहीं बनती? मैं बड़ा लग रहा हूँ, ये बड़ा लग रहा है? एक बात बता दें यार, नहीं उम्र में छोटा, मैं इनसे छोटा हूँ यार, ईदी 5000 रुपए होती है। एक बात बताएं, छोटो भी बनती नहीं बनती, इसका फैसला कर दें। नहीं तो कितनी बनती है, कितनी बनती है? रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए ना, 16500 रुपए इससे ज्यादा चाहिए भाई। भाई ये पकड़, अब जा चल चल भाई, यार शुक्रिया भाई, तुम लोगों को भी चाहिए, आपको चाहिए ईदी चाहिए भाई, आ जाओ ले लो, आप ईद मिल रहे हमसे, अच्छा ईद मिलना है, चलो भाई तीन वाले, हम तीन वाले, चलो भाई फटका लग गया 16500 रुपए का यार, बताओ यार भाई ये कम का लगा। अबे जफा हो जा, निकल जा, निकल जा भाई तू। भाई सीन ये, आपका भाई ना दो दो जगह ईद पड़ता है, दो जगह ईद नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले अब्बू के पास ईद की नमाज अपनी अदा करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं मुफ्ती उबैद, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर साल हमें इन्वाइट करते हैं, वहां पर हम लोग बच्चों को ईद वगैरह भी बांटते हैं, तो अभी हम लोग वहां पर जा रहे हैं और फुल मतलब माहौल है, और उसामा भाई इसलिए खुश है, सामने बलून नजर आ गए उनको, उसामा भाई बलून ईद के दिन है। निश्ता निश्ता निश्ता, नमाज खत्म हो गई मुफ्ती साहब की, अरे 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 भाई साहब एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, चलो 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 फटाफट चलो, अरे घबरा क्यों रहो, घबरा क्यों रहो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका भाई ना यहाँ पर ईदी वीदी बांटेगा, अभी मजा आएगा फुल। अरे 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 मिश्कात भाई की अनाउंसमेंट हो रही है, मुफ्ती साहब कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं रॉन्ग में, सारे इधर आ रहे हैं, अंकल जगह दे दें, जगह दे दें, माशाल्लाह भाई ईद तो सही मानों में ये मना रहे हैं भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है, सुभान अल्लाह। बलोची है, सिंधी है, सराई की सिंधी। अपनी गाड़ी रियो निकालो, साथ में जाना तुझको बिठा लो, सामने जल्दी जल्दी फटाफट भाग रहा हूँ ना, मेरी शलवार में लास्टिक उतर रही है, तो नाड़ा पहन के आना चाहिए था ना। ए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? देखो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बच्ची आई हुई है, क्या नाम है मेरा? मिश्कात खान। मेरा क्या नाम है? अरे अरे अरे, इतनी छोटी छोटी बच्ची को भी पता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? कैसे देख रहे हैं यार मुझे प्यार से?
अरे अरे बच्चों के मिशकात भाई भी आ गए माशाल्लाह। ये लीजिए गुब्बारा लेकर जाइए। लाओ लाओ गुब्बारा, दो गुब्बारा, बलून लेकर जाओ बलून। ये लीजिए ये लो बेटा, ये लो। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। माशाल्लाह ये लो बेटा, ये लो माशाल्लाह। आ जाओ, ये लीजिए माशाल्लाह, ये लो। आ जाओ बेटा, ये बलून लेके जाओ, ये लो। कितने सारे बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे, तो बच्चे खत्म नहीं हो रहे। सारे के सारे बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, ये चेक करें, छोटी छोटी बच्चियाँ माशाल्लाह आ रही हैं, सारे के सारे जा रहे हैं। सही है भाई, लाइन से लगे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम हो रहा है। सही है, यहाँ पर मुफ्ती साहब इनको गिफ्ट दे रहे हैं। सही है, बच्चों को प्यार करके गिफ्ट दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गुब्बारे दिए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, फ़लस्तीन का बैज। माशाल्लाह भाई, ये चेक करें भाई, सारे के सारे मुसलमान फ़लस्तीन के साथ हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़लस्तीन आज़ाद होगा और इंशाल्लाह इसराइल के कब्जे से निकालेंगे। चले भाई, ये बच्चों को देते रहें, बैज देते रहें। हाँ भाई, सबको मिलना चाहिए, इस बच्चे को भी दो माशाल्लाह। चलो ज़बरदस्त। मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसा मंजर आप लोगों ने बहुत कम मस्जिदों में देखा होगा, क्योंकि नॉर्मली मस्जिदों में नमाज होती है और घर घर, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों का शौक बढ़ाने के लिए और नमाज से और मस्जिद से जोड़ने के लिए बच्चों को बलून दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों का दिल मस्जिद में लगे, और ऐसी एक्टिविटी हर मस्जिद में होनी चाहिए। माशाल्लाह भाई, हरी आंखों वाले भाई मिल गए, ये देखो माशाल्लाह। इधर देखें, धूप में देखें, आप धूप की तरफ देखें। ओए होए यार, ऐसी आंखों वाली तो चाहिए यार, समझ रहे हो? दुआ कर दो यार, इंशाल्लाह मिल जाएगी। दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, आंखों वाली मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, यहाँ पर देखे माशाल्लाह पूरा इंतजाम है, बलून ही बलून है। ये चादर हटाएगा जरा। ओए होए, पूरा इंतजाम रखा हुआ है बलून का, मतलब आज तो बच्चों के मजे आ गए। छोड़ो बच्चों को, देखो माल दिखा दो इधर आओ। क्या गिफ्ट है सारे, ओए होए माशाल्लाह भाई, चेक करें गिफ्ट इसके अंदर है क्या, खोल के देखते ना। खजाना भरा है सारा। ओए होए माशाल्लाह भाई, चॉकलेट, नोविटा, ये वो चीजें, बलून सारी की सारी चीजें यार, और ये हर बच्चे को दी जा रही है माशाल्लाह से यार। तो भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, अगर मजा आया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ बात सुनो, ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक, आई लव यू यार, और ईदी सेंड कर दो फटाफट। बस बीवी को भी जाके प्यार करना थोड़ा।